अब बात बिहार की उस बच्ची की जो मांग रही है इंसाफ। बिहार के जहानाबाद में वायरल वीडियो की पीड़ित बच्ची के घर पहुंचा एबीपी न्यूज। पीड़िता के परिवार से पता चला कि नाबालिग बच्ची इतनी दहशत में थी कि उसने अपने घर में भी ये बात नहीं बताई। सामने ये भी आया है कि इस वारदात में शामिल कई नाबालिग भी थे। पीड़िता की पहचान का एक लड़का भी इसमें शामिल था। जहानाबाद की यह शर्मनाक घटना जितनी बार भी आंखों के सामने आती है उतनी ही बार खून खौल उठता है। ये देखकर सिर शर्म से झुक जाता है कि कुछ गुंडे कैसे एक नाबालिग बच्ची के साथ खुलेआम छेड़छाड़ कर रहे हैं। एबीपी न्यूज भी इस वारदात में शामिल दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने की मुहिम में शामिल है। इसी सिलसिले में हम पहुंचे पीड़िता के घर और पीड़िता की दादी से मुलाकात की। पता चला कि वारदात 26 अप्रैल की है और उस दिन से पीड़िता दहशत में है। का भइल रे 26 तारीख के का भइल? आपके पोती बाहर गइल रहे, वापस आइल तो फिर का भइल? ओहे तो रोवे लगल बा आओ कुछ होत, ओहे रोवे कर गई। अब पूछबे करी कि कौची हो लोगे, कोनो मार को है गए, कोई गार दे को है गए, तब बताइबे ना करो। पीड़िता नाबालिग है, इसी साल उसने 10वीं की परीक्षा दी है। पता चला कि वारदात में दिख रही मोटरसाइकिल वाला लड़का पहले भी पीड़िता के घर आ चुका था। पीड़िता की दादी की मांग है कि बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमरा कुछ कही बाबू, हमरा तो एक को बोलिया ना निकला हो, कौची कही है? हैं? उल्टी टांग बाद हूँ लेकिन के हाँ कुछ कही है। वीडियो वायरल होने के बाद जहानाबाद पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए वीडियो में दिख रहे चार लड़कों को गिरफ्तार किया। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया गया और उसका बयान दर्ज कर लिया गया। अब उसके परिवार को सुरक्षा दी जा रही है। जो भी सुरक्षा है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उसका बंदोबस्त किया जाएगा। उसके आगे क्या कार्रवाई करेगी? चार लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी करने के लिए हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं मामले पर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीति भी तेज हो गई है। यहाँ सुशासन बाबू जो कहते थे कि यहाँ सुशासन का राज है, कानून का राज है, लड़की महिलाएं सड़क पर चाहे रात हो बिरात हो खुलेआम घूम सकती हैं, तो ये दिखाया देख सकते हैं कि क्या स्थिति है सुशासन की। पुलिस छोड़ेगी नहीं, चार लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जिस तरह से राजद के विधायक राजवल्लभ यादव को जेल में जो बंद हैं, स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको सजा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा और गिरफ्तार करके सरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहानाबाद से सांसद अरुण कुमार का कहना है कि ऐसी घटना में शामिल लोगों को फांसी होनी चाहिए। सब लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, समाज को में जो जानवर हैं उससे थोड़ा अंकुश लगेगा। पुलिस फिलहाल बाकी आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अधिकतर आरोपियों की उम्र 18 से 22 साल के बीच है, लेकिन इसमें कुछ नाबालिग आरोपी भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट में तहत मामला दर्ज किया है। जहानाबाद से उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट। इस घटना के बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मांग यही कि इस बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।